मकान बनाते समय सबसे ज्यादा समस्या सेम की रहती है। सेम को रोकने के लिए हमने एक और नया तरीका अपनाया है जिससे हम मार्केट में चल नहीं रहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं अपना स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ ऊपर वाले कमरे में, और उसके मैं एक बार आपको हालत दिखा देता हूँ। इतनी ख़राब है क्योंकि उस पर लिपाई करवाई थी, पेंट नहीं करवाया, तो अभी हमें उस पर करना है पेंट, उसके बाद करना है एक और लेयर। सबसे पहले हम करेंगे प्राइमर, फिर करेंगे मैट, और उसके बाद देखेंगे एक लेयर और चढ़ानी है तो वो भी चढ़ाएंगे उसके ऊपर, और फिर लेके आएंगे एक ग्रीन पर्दा वीडियो शूट के लिए, और कुछ लाइटनिंग भी करनी है उस कमरे में, बहुत काम है। तो आज करते हैं उसको क्लियर। क्लियर तो नहीं हो पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज सारी चीज़ें एक दिन में हमें नहीं मिल सकती, तो धीरे धीरे करेंगे। आज उसमें पेंट कर देते हैं, जैसे कि पौड़ी भी है घर ही पे है, मतलब जो सीढ़ी होती है चार पैर वाली वो भी घर ही पे है, और पेंट में ले आया था कल जैसे कि प्राइमर लेके आया था वाइट कलर का, क्योंकि नीचे एक वाइट कलर की कोट मारते हैं प्राइमर की फिर मैट की, और फिर देखते हैं दो दीवार को एक जैसा कलर करते हैं, दो को एक जैसा करते हैं। और गाइस ग्रीन पर्दा, मैंने कई मुझे बोल रहे थे कि पर्दा लगा ले, या पर्दा कोई ऐसे ही बोल रहा था कि पर्दा ना लगाए, दीवार को ही ग्रीन पेंट कर ले, तो गाइस दीवार को ग्रीन पेंट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम पर्दे को हटा भी सकते हैं लेकिन दीवार को नहीं हटा सकते एक बार पेंट करने के बाद, तो वो एडिशनल खर्चा अलग से बाद में हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ग्रीन पर्दा ही लगाऊंगा और दीवार को करते हैं पेंट फटाफट। मिलते आगे आप लोगों से। तो आप लोग देख ही सकते हो जो मैं बोल रहा था आप लोगों की, दीवार की क्या हालत हो रखी है, क्योंकि जो ऊपर ये डिज़ाइनिंग हुई थी पीओपी की, और उसके पूरे नक्शे यहाँ पे बना रखे हैं उसने, और ये पूरी गिरा रखी है दीवारों पे। तो पहले तो इसको मैं हटाऊंगा रेगमार से, और वो भी मैं लेके आया हुआ था, जैसे कि ये है रेगमार यहाँ पे, और उसके बाद इस दीवार को भी पेंट करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, सारे वो करेंगे। और ये मैं एक डब्बा 4 लीटर का आया था, ये कुछ 400 रुपये का है, और ये प्राइमर का डब्बा वाइट प्राइमर, और इसी को मारेंगे। और एक मैं ब्रश लेके आया था ताकि आसानी से ये लग जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, सिर्फ इसको ऐसे करके ऐसे रोल कर देंगे दीवार पे, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो हमें एक दीवार पे दो कोट मारनी है, तो फटाफट से करते हैं तैयार, रेडी होते हैं और लग जाते हैं काम पे, क्योंकि फिर हम भी लेट हो जाएंगे। यहाँ से वॉशिंग मशीन को दूसरे कमरे में निकाल देते हैं, और यहाँ पर झाड़ू मारने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर झाड़ू मार देंगे तो जो भी ऊपर से पेंट के छींटे गिरेंगे नीचे वो टाइल्स पे छप जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ी रहे, जैसे धूल मिट्टी होती है वो पड़ी रहे, तो वो उसके ऊपर हो जाएंगे, जब झाड़ू मारेंगे तो उसके साथ वो निकल जाएंगे। तो करते हैं जल्दी से इस कमरे को तैयार, मिलते हैं आगे। गाइस देख सकते हो आप लोग इस रेगमार का क्या हाल हो गया मारते मारते, लेकिन ये दीवार साफ होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ मैंने मारा जैसे कि यहाँ तो साफ हो गई, इस पैच पे, इस पैच पे भी, इस पे भी, और थोड़ी जगह वहाँ भी मारा हुआ है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो निशान निशान से है ना, वाइट वाइट से आया मैंने मारा है इसको, और कुछ मैं पेचकस की भी मदद ले रहा हूँ, जैसे कि ये है इसको हटाने के लिए, तो ये देखो ऐसे हट जाता है ये, तो यहाँ पे जो मोटे वाले हैं ना उनको हटाने के लिए मैं पेचकस की हेल्प ले रहा हूँ, ऐसे रख के और ऐसे दगा देते हैं तो उससे वो गिर जाता है। और दूसरा मैं लगा हुआ हूँ जैसे कि सीढ़ी के ऊपर बैठा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, इस पेड़ी की मैं बात कर रहा था, जैसे कि इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से ना हवा भी अच्छी आ रही है, बाहर का नज़ारा भी अच्छा है, देख सकते हो आप लोग, और हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी इस साइड भी, जैसे इस साइड तो अपनी छत है, उस साइड भी है। तो करते हैं काम, मिलते हैं आगे आप लोगों से। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कर रहा था वहाँ पे अपने घर में जो दीवार थी उसको साफ, लेकिन साफ़ करते करते हाथ दुखने लग गया, तो मैं आ गया थोड़ा सा घूमने के लिए और थोड़ी सलाह लेने के लिए मिस्त्री की कि उसको कैसे साफ़ किया जाए। तो यहाँ पे आके देखा तो मिस्त्री लगे हुए थे काम पे, और देख सकते हो ये मैंने ले लिया पसीना पोंछने के लिए, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है, और मिस्त्री जी लगे हुए काम पे आज। हाँ लग रहा जी, कितना काम हो गया यार, कुछ चल रहा है अभी काम? तो प्लिंथ बीम डाल दिया, डालने के बाद अपना डीपीसी लगाई है। अच्छा सेम को रोकने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। आजकल सबसे बड़ी समस्या सेम की पड़ रही है, हर मकान में सेम आती है,
ढक्कन बनाते समय सबसे ज्यादा समस्या सेम की रहती है। सेम को रोकने के लिए हमने एक और नया तरीका अपनाया है, जिससे हमने बीम डाला था, जिसमें चार सरिये डाल के पूरा 9 इंची कंक्रीट भर दिया। उसके बाद एक रद्दा लगा के DPC लगा के हमने ये तारपुल मैट बिछाया है। कुछ तो ये काम करेगा और कुछ ये काम करेगा। ऊपर वाला जो तारपुल है इसके अंदर दोनों साइड पॉलिथीन है, जिसके अंदर तारपुल गर्मी में ताके बिल्कुल सेम को ऊपर नहीं आने देगा। गर्मी में तयेगा कैसे दादा? इसके ऊपर तो आप लोग अभी लिपाई चिनाई करने लग रहे हो, ये तो नीचे दब गया ना, उसके दीवार भी टूटती है ना। तो आपकी दीवार गर्म नहीं होती, कभी हाथ लगा के देखना, पता चल जाएगा आपको। तो वो तो एक बहुत टाइम के बाद होगी ना, जब तक कितनी। लेकिन फिर उसके बाद तो गर्म थोड़ी रखना अपन। अच्छा, गर्म नहीं रखना। ये तो आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि, ये कई बार बोलते हैं ज्वाइंट नहीं बनाया इसका, लेकिन ताकि ये वो एकदम पकड़ कर लेगा इसकी। क्या क्या पोर्शन बना रहे हो दादाजी यहाँ पे आज आप? एक ये रूम बना है, एक ये बेडरूम है। अच्छा, मास्टर बेडरूम वो है, ये ड्राइंग रूम है, ये हमारी किचन है, ये टॉयलेट है 7-5 का, 8-8 की रसोई है। और कितने मजदूर आपके पास काम कर रहे हैं? मेरे पास ये 4 मजदूर काम कर रहे हैं, 2 मिस्त्री लगे हुए हैं। 2 मिस्त्री, मिस्त्री कहाँ का है दूसरा? मिस्त्री मध्यपुरा का। मैं एक बात बताना भूल गया था, जो कि हमारे दादाजी लगते हैं नेक में, ये एक दिन में 3,000 ईंट लगा देते हैं, और इनके साथ जो ये मिस्त्री जी काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 1800 ईंट लगाते हैं पूरे दिन में। हमारे गांव के फेमस मिस्त्री हैं ये, मतलब अगर इनको ठेका दे दिया तो निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी काम करके देते हैं, बहुत जल्दी। लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं होता, हमारा घर भी हमें एक दूसरों से बनवाना पड़ा था, उस टाइम इनके पास टाइम ही नहीं होता। देख सकते हो आप लोग इनकी कितनी ज़्यादा डिमांड है हमारे गांव में, कि 4 महीने पहले इनकी बुकिंग चल पड़ती है। और ये काका राजू हैं, जो कि तगारी हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं हमेशा। और काका राजू ठीक हो गए? हेलो गाइज तो कर दो, हेलो गाइज। हाँ, और गाइज देख सकते हो कितनी तेज आंधी आ गई है। झेल रहे हैं पेड़, और इन खिड़कियों को मैं कर देता हूँ बंद अंदर से, नहीं तो शीशे भी टूट सकते हैं। देख सकते हो आप लोग, जैसे कि मैं घर पे काम कर रहा था, लेकिन काम करते करते थक गया मैं, और खेतों में आया था थोड़ी देर के लिए फ्रेश माइंड करने के लिए, लेकिन खेतों में आया तो बारिश लग गई, और देख सकते हो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, जबरदस्त। और हम यहाँ पे फंस चुके हैं बारिश में, और यहाँ पे दौड़ो जी ओका पी रहे हैं। अनिल मेरे मोटरसाइकिल पे बैठे, अंकल जी अपने फोन में लगे। अरे हमारे एक भाई है, ये जामुन खा रहे हैं, ये जामुन खा रहे हैं। और हम कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय, यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी। और ये भाई को भी ठीक है।
गाइस आप लोग देख सकते हो जैसे कि मोटरसाइकिल साफ कर दिया है, खेत में गए थे ये भी धो दिया है। जब खेत में गए थे जब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि वो मोटरसाइकिल पूरा भर गया था, उसके टायर ट्यूर सब कुछ, तो आते हमने उसको साफ किया, साथ में ही इसको भी साफ कर दिया था हमने। उसमें सिखाने की जरूरत नहीं होती, पकड़ हो गया अरे यार उन्होंने थोड़ी होया करे सिखाए थे तो कोई किमें कौन सीखे उन्होंने फोन में ध्यान रहा तो भी करते के बनाना यही भी वो बनाने लायक है वो लोग बोलो हेलो वैसे फिर कहते हेलो लिया के बोलो मार्केट में चल नहीं रहा।